हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। आज हम लोग पित्रोजावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं। मेडिपीडिया की टीम रशिया में है। तो ये मॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट है पित्रोजावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे हम लोग इसका ट्रिप करने वाले हैं। पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर मिल रहा है, कैसे सिर्फ MBBS इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को लाइव ऑर्गन्स के साथ पढ़ाया जाता है, उनको क्लिनिकल सर्जिकल सारे एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं। हम लोग चलिए देखते हैं। This is Department of Anatomy. This is second year. Okay. So this is the cadavers for study the anatomy section, and this is the second year class going on. मैम currently तो theoretical knowledge ही चल रहा है, और जब हम लोग bones वगैरह या organs वगैरह पढ़ लेते हैं तो वो separately हम लोग को issue हो जाते हैं पढ़ने के लिए, सारे markings देखने के लिए। बाकी मसल्स के लिए कैडवर पढ़े ही होते हैं, जब फ्री टाइम हो आप आके पढ़ सकते हो। और बाकी नर्वस इनर्वेशंस वगैरह के लिए भी कैडवर पढ़े होते हैं, जब भी आपका फ्री टाइम हो आप लेक्चर के बाद आके पढ़ सकते हो। और कोई टीचर से डाउट्स पूछने होते हैं उसका मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाती है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? मैम 13 स्टूडेंट्स के बैचेस रहते हैं, तो अगर लेक्चर में डाउट हो रहा है तो आप उसी समय पूछ सकते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर था यहाँ पे एनाटॉमी थी, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे पैथोलॉजी है। चलिए वो डिपार्टमेंट को भी पूरा विजिट करते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे पूरा म्यूजियम है जहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो प्रिजर्व किए हुए हैं, ये सारे ओरिजिनल बॉडीज़ के स्केल्टन हैं। इवन यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं सारे ओरिजिनल हैं, और प्लस इवन बहुत सारे ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो यहाँ के जो बच्चे यहाँ पे मेडिसिन कर रहे हैं उन्होंने ही कलेक्ट किए हैं। तो काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ हर टाइप के ऑर्गन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के ऑर्गन भी पड़े हैं। तो जैसे सर पूछ रहे थे कि एनिमल्स के ऑर्गन क्यों रखे हुए हैं, तो ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट हम ह्यूमन ऑर्गन्स पे स्टडी नहीं कर सकते, तो पहले एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एनिमल्स की जो फंक्शंस हैं वो सिखाए जाते हैं। नॉट मच, पर इतना सिखाते हैं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें ह्यूमन्स और एनिमल्स में कैसे कंपेरिजन किया जा सकता है। ओके, तो कौन कौन से एनिमल्स के हैं यहाँ पे? एनिमल्स में यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तो फ्रॉग्स वगैरह करवाते हैं, जो कि अलाउड है एक्चुअली, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट की। क्योंकि जैसे इंडिया में तो फ्रॉग्स को बैन कर दिया, वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमें वो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्चर्स वगैरह के एक्सरेज हैं, या फिर वो ये अपनी नीचे कोक्स वगैरह आ जाती हैं और पेल्विक बोन्स वगैरह के, और इधर फीमर वगैरह के, नी वगैरह के एक्सरेज होते हैं सारे। In Russia, we're studying pathology with anatomy and pathology of physiology. Most of the जो यहाँ पे organs हैं वो हमें first year में कराते हैं। जैसे ये bones सबसे पहली lecture ही आपकी bones की लगेगी, तो ये bones वगैरह present है। यहाँ पे आपको brain की preparation दिख जाएगी। Classroom का time भी limited होता है, अगर आपको खुद से self study भी करनी है तो उसके लिए क्या provisions? तो आप पूरे week में Sunday को छोड़ के आप किसी भी time यहाँ पे आ सकते हो। तो आप क्या करते हो, आपके पास जो cards वगैरह होते हैं जो आपको एंट्री एग्जिट के लिए इशू किए होते हैं वो आपसे लेते हैं, और उसके बदले में आप ऑर्गन, ऐसा नहीं कि एक ही मिलेगा, आपको जितना स्टडी के लिए चाहिए आपको एक ट्रे में डाल के सब दे देंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे सर्जिकल और हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती हैं। चलिए देखते हैं वो भी डिपार्टमेंट। हाय, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग? How is it for the foreign students? Like, how is education going? Is it good? It's yeah, good. They understand us. Okay. We can study here like an easy way. Great. Yeah, and we're studying histology right now. Okay. So you're studying histology right now? Yeah, we're in the second year. You are in the second year, okay. So there are foreign students not only from India but many countries, and they are able to understand well at this university, because what I can see is that everybody is very much proficient in English. So body parts is same, studies are same. If language is not the barrier, it becomes very easy to understand the things. So right now this is the second year class for Russian and foreign students in which they are studying histology. Surgery going on. Topography, anatomy. Topography, anatomy. This is third and fourth year student. Okay. So this is fourth year student who is performing the surgical activities. Practical skills. And topography, anatomy. And in this course we learn to do some small operations, and we try to remember anatomy. But more уровень касательно топография на этом.
आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फोर्थ ईयर स्टूडेंट है जो कि ये सर्जरी डिपार्टमेंट है, ये लोग स्टिचेस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। फोर्थ ईयर तक आपको अच्छे से स्टिचिंग्स करनी आ जाती है, आप सर्जिकल पे फोकस करने लग जाते हो। पहले थ्री ईयर्स जो हैं वो थ्योरी उस पर स्ट्रॉन्ग की जाती है, आपके बेसिक्स जो फंडामेंटल्स होते हैं उस पर फोकस किया जाता है, एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपकी क्लिनिकल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि कैसे हर स्टूडेंट को एक्सपोजर दिया जा रहा है।